भगवान राम जब लंका विजय करके 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपावली किया। उसके दूसरे दिन 56 प्रकार के भोग लगाया। हमारे भगवान राम 27 वर्ष तक त्रिपाल में रहे और त्रिपाल से उठ करके 9 नवंबर को कोर्ट का आदेश हो गया है कि अब भगवान रामलला के भव्य मंदिर बनेगा। तो 2019 बीत चुका है, 2020 लग गया है और आज पहला दिन है। उसी खुशी में हम भगवान रामलला के लिए 56 प्रकार का भोग लगाए कि अब त्रिपाल से उठ करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वह समय इसी 2020 में संभव है कि रामलला का भव्य मंदिर बनने लगेगा। तो इसकी जानकारी कुछ लोगों की हुई और उन लोगों ने, एक तो 9 वर्ष का समय है 2020 का आज, और दूसरे रामलला का आदेश आ चुका है मंदिर बनने का। इसलिए जितनी भी समस्याएं आज तक 27 वर्षों से रामलला के ऊपर रही सब समाप्त हो गई, उनकी कृपा रही, अब भव्य मंदिर बनेगा। या 9 वर्ष की सभी प्रकार की शुभकामनाएं सभी को और सभी मीडिया वालों को, सभी देशवासियों को और भगवान रामलला की ओर से। इसलिए आज 56 प्रकार का भोग लगा है रामलला को, और रामलला को वह दृश्य हम लोगों ने किया कि भगवान राम अब उनके समय समाप्त हो गया वनवास का, अब भव्य मंदिर विराजमान उसका अधिग्रहण होगा और उसका विस्तार किया जाएगा। देखो बनेगा भव्य मंदिर बनेगा और ये ऐसा मंदिर बनेगा जो लोग देख करके और एक बार कहें कि यदि कोई मंदिर है तो अयोध्या में भगवान रामलला के।